हेलो दोस्तों, सी जी ई पेपर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 28 सितंबर है और आज के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग, ऐसे कई एग्ज़ाम होने वाले हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक। हाल ही में डॉक्टर्स डे कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर है 27 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर है 27 सितंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, हाल ही में देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है, वे किस राज्य के कलाकार हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, है ना, वे एक पेंटर हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं, हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने हेतु $15 मिलियन की सहायता दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाल ही में ईसर जज अहलूवालिया का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठ है, हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है, कब मनाया गया, 26 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में हैंड सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किए, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 75वें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के प्रथम तट रक्षक अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेसियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल की घंटी जरूर दबाइए ताकि कुछ भी नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।